दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम सीखेंगे महासागरीय धाराओं के विषय में। तो दोस्तों महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, आइए देखते हैं इनकी परिभाषा से। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। इन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है, गर्म धाराएं और ठंडी महासागरीय धाराएं। गर्म धाराएं और ठंडी धाराओं से तात्पर्य यह है कि जहां पर ये धाराएं प्रवाहित हो रही हैं उस स्थान के समुद्र के जल के तापमान की अपेक्षा इन धाराओं का तापमान उस विशेष स्थान पर कैसा है। अगर इन धाराओं का तापमान उस विशेष स्थान के जल के तापमान से ज़्यादा है तो ये धाराएं गर्म जल धाराएं कहलाती हैं, और अगर कम है तो ये धाराएं ठंडी महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारे ग्लोब पर, हमारी पृथ्वी पर चार बड़े महासागर हैं, जिनमें से आर्कटिक महासागर तो पूरे साल बर्फ़ से जमा रहता है। शेष तीन महासागर में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक महासागर और उसके बाद हिंद महासागर का नंबर आता है। दोस्तों प्रत्येक महासागर में दोनों प्रकार की धाराएं पाई जाती हैं, कुछ ठंडी धाराएं पाई जाती हैं और कुछ गर्म धाराएं पाई जाती हैं। दोस्तों ठंडी धाराएं वे धाराएं हैं जो मुख्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं, और गर्म धाराएं वे हैं जो मुख्यतः दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण की ओर गर्म धाराएं चलती हैं और दक्षिण से उत्तर की ओर ठंडी धाराएं चलती हैं। तो इस प्रकार से हम तीनों महासागरों में एक एक करके देखेंगे कि कौन सी धारा गर्म है और कौन सी धारा ठंडी है। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इन धाराओं को लेकर के, कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म है अथवा निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी है। तो आइए देखते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधाराएं कहते हैं। ध्रुवों की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ बहने वाली धाराओं को ठंडी जलधाराएं कहते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विषुवत रेखा पर तापमान सबसे अधिक होता है। विषुवत रेखा पर महासागर का तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और जो कि अधिक से अधिक महासागरी जल को गर्म करने की क्षमता रखती हैं। महासागरी धाराओं की उत्पत्ति तथा उनकी गति के स्वभाव चार तरह के कारणों से संबंधित होते हैं। नंबर एक, पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण बल, विक्षेपक बल। नंबर दो, वायुमंडलीय दाब, पवन, वृष्टि, वाष्पीकरण, सूर्यताप। दोस्तों एक चीज़ बताते चलें, भूमध्य रेखा के आसपास और भूमध्य रेखा पर व्यापारी पवनें चलती हैं जिनकी गति पूरब से पश्चिम की ओर होती है। इनके प्रभाव में विषुवत रेखीय जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। इन्हें हम आगे मानचित्र के साथ देखेंगे तो हमें याद करने में और आसानी होगी। दोस्तों तीसरा नंबर आता है महासागरी की दाब प्रवणता, तापांतर, लवणता, घनत्व तथा बर्फ का पिघलना, इनके कारण से भी ये महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। और चौथा कारण है तट की दिशा, आकार, मौसम में परिवर्तन, नितल की स्थलाकृति। नितल मतलब होता है समुद्र का तट, वहाँ समुद्र का जो आंतरिक भाग है यानी स्तर, अधःस्थल, उसकी क्या बनावट है। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दाहिनी ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में
धाराएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ऐसा कोरियालिस बल के कारण होता है, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, इसमें जो जलधाराएं बह रही होंगी वो जैसे ही आगे गति करती हैं अपने दाहिनी ओर मुड़ती चली जाती हैं। इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ही धाराएं आगे बढ़ती हैं ये अपनी बाईं ओर मुड़ती चली जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आइए देखते हैं प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं हैं और इनमें से कौन सी ठंडी है और कौन सी गर्म है। दोस्तों प्रशांत महासागर में मुख्य जलधाराएं इस प्रकार से हैं, उत्तरी विस्वती धारा, नंबर दो क्यूरो शिवो की धारा, नंबर तीन अलास्का की धारा। ये सभी धाराएं गर्म हैं। उसके बाद नंबर आता है कैलिफोर्निया की धारा, यह एक ठंडी धारा है जो कि यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे कैलिफोर्निया एक प्रांत है उसके तट के सहारे प्रवाहित होती है और यह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती यानी भूमध्य रेखा की ओर जाती है। इसका तापमान वहाँ के समुद्र के जल के तापमान से ठंडा होता है इसलिए इसे ठंडी जलधारा कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है ओया शिवो धारा। दोस्तों यह धारा ठंडी जलधारा है, यह रूस के साइबेरिया के भाग में एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप, जिसके तट के सहारे यह बहती है और यह ठंडी जलधारा है, यह भी उत्तर से दक्षिण की ओर गति करती है। उसके बाद ओखोटस्क धारा, यह एक ठंडी जलधारा है जो कि नॉर्थ से साउथ बहती है सखालीन के समीप। दोस्तों सखालीन एक प्रायद्वीप है, छोटे छोटे द्वीप हैं। उसके बाद उत्तरी प्रशांत धारा, यह गर्म जलधारा है। उसके बाद आता है दक्षिणी विस्वती धारा, यह पूर्व से पश्चिम गति करती है, भी गर्म धारा है। उसके बाद नंबर आता है नंबर 9 पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, यह एक गर्म जलधारा है। 10वां नंबर है दक्षिणी प्रशांत धारा, यह एक ठंडी धारा है। उसके बाद पेरू धारा, यह जो है बहुत महत्वपूर्ण धारा है, जलधारा है। इसी के प्रभाव से अलनिनो और लानिनो की उत्पत्ति होती है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 5 है विरुद्ध प्रतिविश्वतीय धारा, विरुद्ध या प्रतिविश्वतीय धारा, यह विश्वत रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, एक गर्म जलधारा है। आइए दोस्तों हम मानचित्र की सहायता से इसको समझते हैं। तो देखिएगा आपके सामने ये प्रशांत महासागर का मानचित्र है। दोस्तों मानचित्र का आकार छोटा होने के कारण कुछ समस्या कुछ कष्ट आपको महसूस हो सकता है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे 0 डिग्री, ये देखिए जहाँ पे संकेत है 0 डिग्री, पॉइंटर है, पॉइंट कर रहा हूँ मैं 0 डिग्री। ये जो है ये भूमध्य रेखा है, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो यह है ईस्ट और यह है वेस्ट, यह पूर्वी प्रशांत महासागर है और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर है। तो यहाँ से विषुवत रेखा से उत्तर में इस प्रकार से देखिएगा एक धारा उत्पन्न होती है, इसका नाम है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, और इसके दक्षिण में एक जलधारा उत्पन्न होती है, इसका नाम है दक्षिणी जलधारा। जैसा कि ये विषुवत रेखा है, ये जो धारा बह रही है ये उत्तरीय विषुवत रेखीय धारा है, और ये जो धारा आ रही है इस तरह से ये दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है, और इसके बीच में प्रति विषुवत रेखीय धारा पश्चिम से यहाँ से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भूमध्य रेखा के उत्तर के जलधाराओं की।
तो उत्तर में सबसे पहले नंबर एक पे देखिए ये पॉइंट है, नंबर एक पे उत्तर विषुवत रेखीय धारा जो है वह एक गर्म जल धारा है, और यही आगे चल कर के यही धारा आगे चल कर के क्यूरोशियो धारा के नाम से जानी जाती है। देखिए नंबर दो पे हमने दिखा रखा है क्यूरोशियो धारा, ये जापान के पूर्वी तट से होके गुजर रही है जैसा कि आप देख रहे होंगे, और यही आगे चल के नंबर सात पे जो है ये उत्तरी प्रशांत धारा में परिवर्तित हो जाती है नंबर सात। तो उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा जो है ये भी एक तरह से गर्म जल धारा है, ठीक है। उसके बाद यही उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक नंबर तीन पे है इसका नाम है अलास्का धारा, क्योंकि इसका तापमान यहाँ पे गर्म होता है इस धारा का, इसीलिए ये भी एक गर्म जल धारा है। ये देखिए अलास्का वाली, और इसका एक शाखा नीचे को चली जाती है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की धारा, ये देखिए कैलिफोर्निया की धारा नंबर चार पे। तो यह एक ठंडी धारा है, यह उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही, तो यह एक ठंडी धारा है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं नंबर छः पे जो है ओखोटस्क है, ये जो है ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर छः पे ये ओखोटस्क सागर है, इस सागर में जो है उत्तर से दक्षिण की ओर एक धारा प्रवाहित हो रही है, इसको कहते हैं ओखोटस्क धारा, यह एक ठंडी जल धारा है। नंबर पाँच पे जो है आप देख पा रहे होंगे ओयाशियो धारा, तो क्यूरोशियो धारा ये दो पे गर्म थी, और ये ओयाशियो धारा उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, तो ये ठंडी जल धारा है, क्योंकि ध्रुवों की तरफ से आ रही है नीचे को, क्योंकि ध्रुव के साथ आ रही है तो इसका तापमान ठंडा होगा, जो नीचे आएगी तो पानी इसको गर्म मिलेगा, तो उसकी अपेक्षा इसका तापमान ठंडा होगा, इसलिए इसको ठंडी जल धारा कहते हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से आपने जो है उत्तरी महासागर की जलधाराएं आपने देख ली, इसमें से ठंडी धारा कौन कौन सी है, एक ओखाटस्क वाली, उसके बाद ओवाशियो वाली धारा ये ठंडी है, उसके बाद कैलिफोर्निया की धारा ये ठंडी है, शेष जो आप देख रहे हैं एक दो तीन सात पे ये सभी जलधारा गर्म है, जिनमें से आप लोग परीक्षा की दृष्टि से ओवाशियो और क्यूरोशियो और ओवाशियो ध्यान रखिएगा, क्यूरोशियो धारा गर्म है, ओवाशियो धारा ठंडी है। आइए बात करते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखिए ये जो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा जो है ये गर्म जल धारा है, पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, यही आगे चल करके पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और यह एक गर्म जल धारा है। इधर अगर हम देखेंगे तो नीचे नंबर टेन पे ये इस तरह से प्रवाह हो रहा है, यहाँ पे सब बर्फ़ जमी रहती है, बर्फीला पानी होता है, ये इस तरह से जल का प्रवाह हो रहा है इस दिशा में, तो ये जो है नंबर टेन पे देखिएगा दोस्तों दक्षिणी प्रशांत धारा इसका नाम है, यह एक ठंडी जल धारा है। जिस प्रकार उत्तरी प्रशांत धारा सात नंबर पे आप देखे थे ये गर्म थी, यहाँ दक्षिणी प्रशांत महासागरी धारा जो है वो ठंडी है। यही आगे चल करके नंबर 11 बन जाती है, नंबर 11 ये पेरू की धारा है नंबर 11 पे, पेरू के तट पे, क्योंकि पेरू एक देश है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू, इसकी राजधानी है लीमा, तो ये है पेरू, इसके तट पे ये धारा बह रही है, इसका नाम है पेरू की धारा, यह एक ठंडी धारा है, यह दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, यानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जा रही है, इसी के कारण लालिनो और अलिनो घटनाएं होती हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये मुख्य तो हमने देखा दक्षिण प्रशांत महासागर में ठंडी धारा कौन कौन सी थी, दक्षिणी प्रशांत महासागरी धारा ही ठंडी थी, और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं पेरू की धारा, ये दो धाराएं इंपॉर्टेंट, पेरू की धारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यह एक ठंडी धारा है। तो दोस्तों
आपने देखा प्रशांत महासागर की धाराएं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम एक साथ हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर की धाराओं के विषय में देखेंगे, मानचित्र द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टि इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इसी के साथ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और इस वीडियो में मैं किस प्रकार से सुधार कर सकता हूँ आप अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आगे आने वाले अपने वीडियो में आपके सुझावों पर अमल करूँगा और वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने का आपका शुक्रिया। दोस्तों अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।